गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 दैट इज़ फूड ऑफ इंडिया। आज हम चैप्टर 6 फूड ऑफ इंडिया रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा सीरियल्स नहीं है। सो राइस, व्हीट एंड मूंग। सो राइस एंड व्हीट क्या है? सीरियल है। बट जो मूंग है वो क्या है? सीरियल नहीं है, ये पल्स है। ओके, पल्सेस है। सो मूंग क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन सेकेंड वाली क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर इन राजस्थान। कि राजस्थान में कौन सा, जो आप लोगों को फूड आइटम दिया है नीचे, कौन सा फूड पॉपुलर है राजस्थान में? सो ऑप्शन ए ज्वार एंड ऑप्शन बी बाजरा एंड व्हीट। सो करेक्ट आंसर इज बोथ, ऑल ऑफ दिस। ओके, राजस्थान में ज्वार एंड बाजरा एंड व्हीट, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? फेमस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवेलेबल इन समर। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो फ्रूट है या जो वेजिटेबल है वो समर में अवेलेबल होता है। ठीक है, समर में हमें मिलता है, समर मीन्स गर्मियों में जो फूड हमको अवेलेबल होता है वो कौन सा होता है? सो मैंगो, कैबेज एंड कैरेट। सो राइट आंसर इज मैंगो। हमको समर में कौन सा वेजिटेबल, सॉरी, हमें समर में कौन सा फूड मिलता है? मैंगो। मैंगो क्या है? फ्रूट है। एंड कैबेज एंड कैरेट हमको कब मिलता है? विंटर में मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल ऑयल। सबसे पहले हमको पता है कि एडिबल ऑयल क्या होता है। ठीक है, जिस ऑयल का यूज़ हम फूड को बनाने के लिए करते हैं या जिस ऑयल को हम एज अ फूड आइटम में खाने के लिए यूज़ करते हैं उसे एडिबल ऑयल बोलते हैं। जिस ऑयल को हम खाने में यूज़ करते हैं वो एडिबल ऑयल होता है। सो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑयल है जो एडिबल ऑयल नहीं है। सो फर्स्ट है मस्टर्ड, सेकेंड केरोसिन एंड थर्ड वन इज़ ए कोकोनट। सो राइट आंसर इज़ केरोसिन। जो केरोसिन है वो क्या है? एडिबल ऑयल नहीं होता। केरोसिन जो होता है उसको, उस ऑयल का यूज़ खाने के लिए नहीं करते हैं। द नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट एंड डैश। ठीक है, बोल रहे हैं कि कहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट हैं। सो कहाँ है ये? इन इंडिया। सो करेक्ट, सो आंसर क्या होगा? इंडिया। देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट इन इंडिया। देन सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट आर कॉल्ड डैश। राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट आर क्या है? कॉल्ड सीरियल्स। इनको क्या बोला जाता है? सीरियल्स बोला जाता है। देन थर्ड वाला है पीपल ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स लाइक टू ईट डैश। जो लोग ईस्टर्न और जो साउथ के, साउथर्न जो पार्ट में होते हैं, साउथर्न स्टेट के जो पार्ट के होते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, ईस्टर्न एंड साउथर्न जो पार्ट के लोग होते हैं उनको खाने में क्या पसंद होता है? लाइक टू ईट राइस। वो क्या करते हैं? खाने में राइस ज़्यादा उनको पसंद होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला इज़ फेमस फॉर इट डैश एंड डैश। केरला किस चीज़ के लिए फेमस है? वहाँ के स्पाइसेस के लिए, मसाले के लिए। ठीक है, तो केरला इज़ फेमस फॉर इट्स पेपर एंड कार्डमम। ओके, सो केरला इज़ फेमस फॉर पेपर एंड कार्डमम। देन नेक्स्ट है मिल्क, एग्स, चीज़, कर्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड डैश। ठीक है, जो मिल्क होता है, एग होता है, चीज़ होता है, जो चीज़ हमको एनिमल से ऑब्टेंड होता है, एनिमल से हमको गेट होता है, मिलता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? लाइक जैसे मिल्क, एग, चीज, कर्ड एट्सेट्रा, ये सभी क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, हमको जो काऊ से क्या होता है? मिल्क होता है। ठीक है, जो हैन होता है उससे एग्स मिलता है। देन मिल्क से चीज़, कर्ड, ठीक है, ये सभी चीज़ें बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है। ओके, राइट, क्या होगा आंसर? डेयरी प्रोडक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फूड्स आर प्लांट प्रोडक्ट। बहुत सारे जो फूड्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स हमको प्लांट से मिलता है। सो येस इट इज़ ट्रू। सो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू होगा। ओके, बहुत सारे जो फूड आइटम होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है अरहर, मूंग, उड़द, मसूर एंड आर सीरियल्स। अरहर, मूंग, उड़द एंड जो मसूर है वो सभी सीरियल्स हैं क्या? नो, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है? पल्सेस हैं, सीरियल्स नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। देन थर्ड वन इज ऑरेंजेस, कैरेट एंड कैबेज आर अवेलेबल इन विंटर। जो ऑरेंज होता है, कैरेट और जो कैबेज होता है, ठीक है,
ऑरेंज मतलब जो संतरा, कैरेट, गाजर एंड कैबेज, जो बंद गोभी होता है, ये सभी जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं वो हमको विंटर में अवेलेबल होता है क्या? सो येस इट इज़ ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. देन नेक्स्ट इज ऑयल ये यूज टू कुक, सॉरी ऑयल यूज टू कुक फूड इज कॉल्ड एडिबल ऑयल, ठीक है. जिस ऑयल का यूज़ फूड बनाने के लिए, कुक करने के लिए किया जाता है, उसे एडिबल ऑयल बोला जाता है. सो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है. सो एडिबल ऑयल का यूज़ फूड को बनाने, जो को फूड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एडिबल ऑयल बोला जाता है. देन नेक्स्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं. सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है. जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमको किससे ऑब्टेंड होता है, एनिमल से, ठीक है, लाइक काउ, काउ से मिल्क है ना, हैन से एग्स, गोट से मीट, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, ये क्या होते हैं, हमको डेयरी प्रोडक्ट हमको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ फूड ईटन इन इंडिया इन डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है. हमारे इंडिया में जो फूड खाया जाता है वो हर जगह डिफरेंट प्लेस पर, हर एक जगह अलग अलग क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो द फूड, सो आंसर इज़ द फूड इज़ इन ईटन इन इंडिया इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है. जो फूड आइटम हम जो खाते हैं हमारे इंडिया में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्यों, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन देयर, क्योंकि हर जगह क्या होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, वो हर एक पार्ट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है. लाइक अगर वो कहीं दूसरे जगह पर जो क्रॉप होता है वो सेम दूसरे डिफरेंट प्लेस पर नहीं होगा, तो हर एक जगह क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं. इसी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में हर जगह डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप के फूड आइटम हमको मिलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है. हमको डिफरेंट टाइप्स के फूड ग्रेन्स बताने बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सो मोस्ट कॉमन ग्रेन्स इन आवर कंट्री आर, ठीक है, हमारे कंट्री में सबसे जो मोस्ट कॉमन जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, अनाज है, मोस्ट कॉमन जो अनाज है वो क्या है, राइस, वीट, मेस, मिलेट, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियल्स, ठीक है. ये हमारे कंट्री के मोस्ट मतलब कॉमन ग्रेन्स हैं, एंड इन सभी को क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सीरियल्स, इनको सीरियल्स भी बोला जाता है. देन थर्ड एंड क्या लिखा हुआ, वीट एंड राइस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ठीक है. वीट और जो राइस है वो हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट डाइट है, मतलब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट है. देन थर्ड वन इज राइट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद एग्जाम्पल, ठीक है. हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लिखने बोल रहे हैं. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर फूड, ठीक है. जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल और जो सब्जियाँ होती है, वो भी हमारे डाइट के, हमारे खाने का, फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है. मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन इंडिया, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे इंडिया में क्या होते हैं, उगाए जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, मिल्क, एग, चीज़, कर्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क, एग, चीज़ को डेयरी प्रोडक्ट बोला जाता है. देन इसके जो सोर्स हैं वो कौन है, काउज, बफेलोज, गोट्स एंड हैंस आर एग्जाम्पल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है. काउज, बफेलो एंड गोट है, एंड जो हैंस है, इन सभी एनिमल्स से क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, हमको डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, एंड ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं डेयरी प्रोडक्ट के, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाउ डू वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में हमको जो हम फूड जो है, डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो वेजिटेबल और ग्रेन्स होते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से हमको गेट होता है. सो सम प्लेसेस आर वेरी हॉट, वेयर आर सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं, एंड कुछ प्लेसेस बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है. ड्यू टू दिस रीजनल वेरिएशन, इस जो रीजनल वेरिएशन की रीजनल वेरिएशन की वजह से, ठीक है, वहाँ के जो अलग अलग जो वेरिएशन होता है, अलग अलग जो वहाँ का क्लाइमेट या माहौल होता है, उसकी वजह से फूड इज़ ऑल्सो डिफरेंट, इसी वजह से वहाँ का फूड भी क्या होता है, डिफरेंट होता है.